कि इस चुनाव के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रवाद के साथ हाथ मजबूत करना बहुत आवश्यक है। आपने यहाँ प्रत्याशी के तौर पर अपनी पार्टी से चुनी लोकसभा से फार्म भरा है। आज आप मुख्यमंत्री जी से बात करने के पश्चात और अपनी बुनियादी बातों को उनके साथ साझा करने के पश्चात बिना शर्त आज नेशनल जनमंडल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान में विशेष तौर पर चूरू में सहयोग करेंगे। आपका नामांकन चूरू में जरूर है, परंतु आपने राष्ट्रीय हित के अंदर और ये देश दुनिया का सरमौर बने, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर पर पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर 2047 तक दुनिया में सिरमौर बने, इसी कल्पना को पूरा करने के लिए बड़े ही बड़े मन से आपने हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो कि पद्म भूषण पद्म श्री है और एक तरह से जिन्होंने देश का नाम किया देवेंद्र जाजिडा का समर्थन करने का फैसला किया है। मेरे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चूरू सहित हरलाल जी और हम सब लोग आपका अभिनंदन करने के लिए और विशेष तौर पर मैं जयपुर से चलकर आया हूं, आगे मेरे रतनगढ़ के अंदर कार्यक्रम है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और अब सीधा ही आपसे रूबरू होने के लिए दौलतराम जी पेंसिया जो राजस्थान में और विशेष तौर पर चूरू में पहचान की आवश्यकता जिनकी नहीं, आप लोगों से कई संघर्ष में रूबरू हो चुके हैं, जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लड़ते रहे, गरीब की आवाज उठाते रहे, उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो आपके से मुकाबले। मैं दौलतराम पेंसिया आज अपने साथियों के साथ मेरे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रणवीर सिंह जी बिरलोका, कोषाध्यक्ष आदरणीय सावन सिंह जी तोगड़ा और हमारे जो साथी मेरे साथ आए हुए हैं, हम सब लोगों ने कल आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ मुख्यमंत्री जी से भेंट की और मुख्यमंत्री जी की रीति नीतियों से हमारे कुछ जो सामाजिक न्याय के मुद्दे थे उनको देखते हुए आदरणीय मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और चूरू जैसे क्षेत्र में जो लोग बरसों से गुंडागर्दी अन्याय अत्याचार करते आ रहे हैं उनके अन्याय अत्याचार से लोगों को राहत मिले, बहुत से मुद्दों को देखते हुए हमने जो हमारी नेशनल जनमंडल पार्टी है वो एनडीए के घटक के रूप में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगी पूरे राजस्थान में पूरे देश में। और मैं चूरू से लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन भरा था और मेरा पर्चा रह भी गया, परंतु मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, नेशनल जनमंडल पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने बताया पद्मश्री पद्म भूषण आदरणीय देवेंद्र जी झांझड़िया के समर्थन में वोट मांग करके उनको जिताने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा कि आज यहाँ आने पर हमारे जिला अध्यक्ष जी स्वागत करें, राज्य को कहूंगा वो स्वागत करें। और मैं विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करूंगा दौलतराम जी और आपसे वादा करता हूं कि आपके संघर्ष के जीवन में आगे साथ आएंगे। दौलतराम जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।